हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाना सीखेंगे एक सर्कल, क्रोशिया से एक सर्कल बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने पहले लिया है एक धागा और 12 नंबर का क्रोशिया हुक। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही उंगली में धागा लपेट लेनी है और एक सर्कल बनाने के लिए एक नॉट रेडी करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक नॉट बना लिया है। नॉट बनाना तो अब आप जानते ही हैं। और उस नॉट में से मैं बनानी है 6 चेन। चेन बनाना आपको आ चुका होगा या अब तक आप सीख गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये 6 चेन बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इस 6 चेन के फर्स्ट वाले चेन में एक चेन को लॉक कर दूंगी, तो ये एक सर्कल चेन, मेरा छोटा सा सर्कल चेन रेडी हो चुका है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर 3 चेन और बनाए। देखिए फिर और फ्रेंड्स, और ये 3 चेन के बाद उसी सर्कल में हमें डबल क्रोशिया करनी है। 11 डबल क्रोशिया करनी है। डबल क्रोशिया तो आपको आता ही होगा, या आप सीख चुके होंगे या सीख रहे होंगे। डबल क्रोशिया के लिए एक हुक पे एक धागा लेना है, और पहले हुक पे 3 धागे होंगे, फिर 2 धागे होंगे, और फिर उसके बाद 1 धागा होगा। ऐसे करते करते मैं इस सर्कल में फ्रेंड्स 11 डबल क्रोशिया करनी है, और ऐसे एक सर्कल रेडी हो जाएगा। अब इस सर्कल को हमें ज्वाइन कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे ज्वाइन कर रही हूँ सर्कल को। ये सिर्फ एक ही धागे में एक ही धागा लेके बनाया है मैंने, और ये ऐसे ही ज्वाइंट करनी है इसको। ऐसे ज्वाइंट के बाद मेरे पास एक फर्स्ट राउंड का सर्कल रेडी हो चुका है। अब दूसरे राउंड के लिए हमने 3 चेन बनाया। उसके बाद अब एक चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है फ्रेंड्स। देखिए, अब एक ही चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है। एक हमने बना लिया, एक फिर बना रहे हैं। 2 ये करके इस तरह करते करते हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया करना है। ये स्टेप, अगर आपको डबल क्रोशिया करना सीखना है, डबल क्रोशिया बनाना सीखना है, उसके लिए आप हमारे पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फ्रेंड्स, आप उसमें वहाँ जाके चेक कर ले, और वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं कि मैंने कैसे डबल क्रोशिया बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 फर्स्ट राउंड और 2nd राउंड मिला के 2 सर्कल रेडी हो चुका है। अब यहाँ भी मुझे इसको ज्वाइंट कर देनी है, जो मैंने अभी ज्वाइंट कर रही हूँ। देखिए आप, ये मेरा एक परफेक्ट सर्कल रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक सर्कल रेडी हो चुका है। आप इस तरह के बहुत सारे, इससे बड़े भी सर्कल बना सकते हैं, या सर्कल वाले डिज़ाइन जो भी आपके बनाना हो, जैसे थाल पोस्ट, टेबल मैट, जो भी डिज़ाइन आपको तैयार करनी हो, इसी स्टेप से और ऐसे ही आप बना सकते हैं। अब देखिए, मैं इसे कम्प्लीटली लॉक कर रही हूँ। उसके लिए मैंने बैक क्रोशिया के बैक में जाके वहाँ पे हुक लगा के एक चेन में इसको स्टिच कर दिया, और ये मेरा लॉक हो चुका है, कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब ये कभी धागा खुलेगा नहीं। और ये देखिए, मेरे एक प्यारा सा सर्कल रेडी हो चुका है। ये सर्कल डिज़ाइन है